आरा में बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह के नामांकन में मंगलवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पवन सिंह से जुड़े सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह केवल मोबाइल और सोशल मीडिया पर ही दिख रहे हैं, जमीनी स्तर पर केवल एनडीए की सरकार है, पवन सिंह कहीं नहीं है, पवन सिंह बस मोबाइल पर ही सीमित है। आरके सिंह के नामांकन के दिन सभा का भी आयोजन किया गया था। सभा को संबोधित करने मंच पर जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे तो बिना नाम लिए भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पर वो जमकर बरसे। कहा, हम मंच पर बैठे थे तो मीडिया के बंधुओं ने मुझसे सवाल किया कि क्या हो रहा है काराकाट में, कैसी चुनौती है। मैं बार बार कहता हूँ, क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक तरह से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि उनकी जीत पक्की है, पवन सिंह कहीं नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि 2014 में भी हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, पहली बार काराकाट से जितने वोटों से उस बार जीते थे उससे दोगुना वोट से इस बार जीतेंगे। चुनाव कोई मजाक नहीं है, कुछ लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं तो होते रहें। हमारे यहाँ तो लोग सचेत हैं, आप लोग भी सचेत रहिएगा। सब कोई के हाथ में मोबाइल है, यह बहुत बड़ा झंझट का जड़ है। नई टेक्नोलॉजी का लाभ है तो कई बार नुकसान भी होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जमीन पर कहीं कोई लड़ाई काराकाट में नहीं है, केवल मोबाइल में लड़ाई आप लोगों को दिखती है। कुछ लोग साजिश के तहत इसे दिखाने का प्रयास करते हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जब देश में 400 पर जीतना है तो बिहार में 40 में से 40 सीटों पर जीतना ही है। आगे सभा में कुशवाहा ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों से सचेत रहना है। उन्होंने कहा कि हम आरके सिंह को अग्रिम बधाई देने आए हैं। हम आ रहे थे तो रास्ते में बहुत उत्साहित भीड़ थी, दुनिया की कोई भी ताकत जीत से उन्हें नहीं रोक सकती।